शहरिया डेली लाइफ पाकिस्तान के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं, इस बाइक का नाम है होंडा CB150। अब हम बुलाएंगे अपने दोस्त को, ये आके इसके बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। तो अब हम इस बाइक के ओनर के साथ हैं, मिस्टर अली के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, आपका क्या बजट था इस बाइक को लेने का और इसके क्या कंपेरिजन थे और इसके की फीचर्स क्या थे जिस वजह से आपने ये बाइक सेलेक्ट की? यार मेरा बजट था तकरीबन 250 to 260, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, अगर मैं खींच कर भी करता हूँ। ठीक है। और उस बजट में मुझे सबसे अच्छी बाइक यही मिल रही थी, और इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन थी एक GS150 और एक थी GR150 भी थी, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती, तो उसकी तरफ मैंने सोचा। ठीक हो गया। तो ये आपका यानी कि मेनली बजट इशू भी था। मुझे ये बताएं इस बाइक के की फीचर्स क्या हैं? एक तो यार इसमें इसका हैंडल लॉक इसकी चाबी में ही है। ठीक हो गया। और इसके साथ है इसकी, मैंने सुना है बाइक की भी मैग्नेटिक है, और होंडा ने इसके अंदर शॉक्स एडजस्टेबल है। ठीक हो गया। शॉक्स एडजस्टेबल है, इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, ब्रीथिंग सीट नजर आ रही है मुझे। ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं, होंडा तो इसको क्लेम करता है कि ये इसके फॉग लैंप्स है, लेकिन ये तो DRL के पर्पस के लिए भी यूज होता है। DRL के पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक। बाइक की स्मूथनेस की क्या वजह है, इसके गियर रेशियो क्या है, मुझे बताएंगे? इसके 5 गियर हैं। ठीक है। फर्स्ट गियर लगता है फ्रंट पे और बाकी 4 गियर लगते हैं बैक। मुझे इसका मीटर काफ़ी एलिगेंट नज़र आ रहा है, डुअल क्लस्टर है, मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। इसका मीटर डुअल क्लस्टर है, साथ इसमें गियर इंडिकेटर भी है, और इसके टर्न सिग्नल्स भी आते हैं, और न्यूट्रल का भी बटन है, साथ इसमें डिपर का भी ऑप्शन है। ठीक है। और साथ इसमें माइलेज का भी बताता है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं इसकी ब्रेकों के बारे में बताना पसंद करेंगे? आगे इसके डिस्क ब्रेक है, ठीक है, और पीछे इसके वो ड्रम ब्रेक है। ठीक हो गया। और ये मैंने देखा है ये की रैक बहुत इसका वियर्ड सा है, ये क्या वजह है, ये किस लिए है? ये इसके ऊपर बॉक्स लग सकता है, एक तो लगेज का। ठीक है। मेनली ये यूज है, अगर मैं लगाऊंगा तो मैं इसके पीछे बॉक्स लगाऊंगा। ठीक है। मुझे तो ये बाइक बहुत पसंद आई है। मुझे आप इसका अहम सवाल बताएं जो सारी आवाम जानना चाह रही है, इसकी एवरेज क्या है? तकरीबन 30 के अराउंड मुझे दे रही है अभी, मैंने तो अभी निकलवाई है और 200 किलोमीटर पूरे हुए होंगे मर के। ठीक है। मुझे 30 मिल रही है तकरीबन। ये तो थे बाइक के की फीचर्स, अब हम देखते हैं इस बाइक का साउंड कैसा है, तो करें स्टार्ट। मैं तो जा रहा हूँ इस बाइक की राइड लेने, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब रखें अपना बहुत सारा ख्याल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।